Hello everyone, today the topic is next topic is self-induction. So self-induction kya hota hai? When the phenomena of production of induced EMF, the phenomena of production of induced EMF, the back EMF ka produce hona, jab bhi changing current kisi circuit mein pass karta hai. Changing current, it is the property of a single coil ki property hai. Jab bhi is coil mein changing current pass hoga, चेंजिंग करंट ग्रो करेगा इसमें करंट या डीके करेगा तो इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा. अभी तक हमने तो दैट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल व्हेन चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन. राइट, फैराडे लॉ से हमने क्या सीखा है अभी तक? फैराडे लॉ बोलता है व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सर्किट चेंजेस डी फाई बाई dt, there is a production of induced EMF in that circuit. इसी भी सर्किट में जो है डी फाई बाई डी टी होगा, चेंजेस होगा उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसमें जो है ई एम एफ जनरेट हो जाएगा. और माइनस साइन ये बता रहा है कि ई एम एफ जो जनरेट होगा दैट ऑलवेज अपोजेज द ग्रोथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट, ये माइनस साइन बता रहा है. तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं. क्या है सेल्फ इंडक्शन? ये प्रॉपर्टी है किसी क्वाइल का जिसके कारण क्वाइल में बैक ईएमएफ सेटअप हो जाता है. तो मान लेते हैं दिस इज अ सर्किट नंबर ए, दिस इज अ सर्किट नंबर ए, दिस इज अ सर्किट नंबर बी. अब सर्किट नंबर ए में एज अ स्विच इज ऑन, जैसे मैं स्विच ऑन करूं प्रेस की, सर्किट ए प्रेस की, की को आपने प्रेस किया, देयर इज अ इंक्रीज इन द करंट इन द सर्किट, इज अ ग्रोथ ऑफ करंट इन सर्किट. तो बेटा अगर करंट इसमें चेंज हुआ तो चेंज इन करंट इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा और मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कर देगा. तो ग्रोथ ऑफ करंट इन द सर्किट, राइट, अगर ये चेंज हुआ है इसका मतलब करंट अगर ग्रो कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा? इट मीन्स देर इज चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स. अगर करंट जो है चेंजिंग करंट है, इसमें जो है ग्रोथ हो रहा है करंट का, मान लो 0 से 5 एम्पियर, 0 से 10 एम्पियर, देयर इज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सर्किट चेंजिंग फ्लक्स. व्हेन एवर चेंजिंग करंट पासेस थ्रू दिस कॉइल, इस कॉइल में चेंजिंग करंट पास करेगा तो क्या करे होगा, उसमें जो है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लिंक्ड हो जाएगा. और चेंजिंग मैग्नेटिक, फैराडे क्या बोलता है आपको? फैराडे बोलता है ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन एनी सर्किट इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी. तो इसका मतलब ये है, मान लेते हैं लेट आई ग्रो, आई ग्रो मीन्स इट्स वैल्यू इट इंक्रीजेस. अगर इसका वैल्यू इंक्रीज करता है, इसका मतलब फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल चेंजेस इंक्रीजेस. अगर आई इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इंक्रीजेस. You can say that d phi by dt इस कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है वो है d phi by dt. That increases. इसका वैल्यू increases भी क्या है? चेंज है. increases अगर एक चेंज है तो d phi by dt इसमें क्या जनरेट कर देगा? EMF और induced current इसमें जनरेट कर देगा. करंट का ग्रोथ हुआ इस डायरेक्शन में तो इसमें बैक ईएमएफ आ जाएगा जो इसको अपोज करेगा
आपके पास जो बैक ईएमएफ आएगा वो आएगा डी फाई बाई डी टी इट्स इक्वल टू माइनस ई, और माइनस ई के अंदर क्या है, अगर आर इसका रेजिस्टेंस है, इस सर्किट का रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं, इट इज इक्वल टू माइनस ई, तो माइनस आई आर, माइनस आई आर बैक ईएमएफ, तो इसके ऊपर इसका रेजिस्टेंस जो है एक्सएल होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है इसका, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो बैक ईएमएफ जो है, इंड्यूस्ड करंट जो है, हमारे पास ये वैल्यू जनरेट हो जाती है, राइट। जैसे ही करंट ग्रो करेगा तो बैटरी स्विच ऑन करोगे आप तो करंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा, करंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल आल्सो इंक्रीजेस। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल इंक्रीजेस देन, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से लिंक्ड जो है इंक्रीज करेगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप आएगा, लेकिन किस वे में आएगा, जो ग्रोथ हो रहा है करंट का उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, उसको हमेशा ही अपोज करेगा, उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, ये आया ईएमएफ। तो सेकंडली डायग्राम नंबर बी, डायग्राम बी में जैसे स्विच ओपन, आपने स्विच ओपन कर दिया तो करंट जो है मैक्सिमम से डीके हुआ जीरो पे, राइट। स्विच ओपन किया आपने, करंट जो है, करंट डीके फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो, करंट का वैल्यू जो है डीके कर गया, फॉल कर गया मैक्सिमम टू जीरो। अगर मैक्सिमम टू जीरो जो है फॉल कर गया इसका वैल्यू करंट का, तो जो है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल आल्सो डिक्रीजेस, दैट इज दैट इट मींस डी फाई बाई डी टी लिंक्ड विद सर्किट, डी फाई बाई डी टी लिंक्ड विद सर्किट डिक्रीजेस। तो डिक्रीजेस भी एक जो है चेंज है, डिक्रीजेस भी एक चेंज है, तो डी फाइव बाई डी टी अगर ये डिक्रीज कर रहा है, डी फाइव बाई डी टी इट इज इक्वल टू माइनस ई एम एफ, तो इसमें जो है ई एम एफ जनरेट हो जाएगा, इसको डिक्रीज नहीं होने लगेगा क्योंकि ये हमेशा इसको अपोज करेगा, राइट। इसी की डायरेक्शन में ई एम एफ जो है जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये अगर ये करंट फ्लो कर रहा था तो आपने स्विच ओपन कर दिया और आई का वैल्यू क्या हो गया, आई का वैल्यू डिक्रीज हो गया, आई का वैल्यू अगर डिक्रीज हो गया इसमें जो है आई की वैल्यू को ये डिक्रीज नहीं होने दे रहा है, ये इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेगा, तो किसी डायरेक्शन में इसमें ईएमएफ जो है सेटअप हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में अब जो है इसको अपोज करेगा ये, क्योंकि इसके डीके को अपोज कर रहा है इसको, इसके डीके को अपोज कर रहा है, यहां पे इसकी ग्रोथ को अपोज कर रहा था, यहां पे इसके डीके को अपोज कर रहा है। दोनों ही सिचुएशन में व्हेनेवर जब भी जो है चेंजिंग फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस, ऑलवेज बैक ईएमएफ सेटअप इन द कॉइल, राइट। अगर इस सर्किट में करंट ग्रो कर रहा है तो इसमें ईएमएफ इस तरह से सेटअप होगा, उस सर्किट के करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर इसमें करंट डीके करेगा तो डीके में जो है, इस केस में भी क्या करेगा, डीके भी एक चेंज है, इसमें जो ईएमएफ सेटअप होगा वो किस तरह से होगा, वो अगर इसमें जो है करंट जो है ये जो डायरेक्शन है करंट का, अगर मैं इसको स्विच को ओपन कर दूं तो करंट का वैल्यू डीके होगा, तो डीके होगा तो डीके भी नहीं होने देगा क्योंकि इसी डायरेक्शन में सेटअप हो गया, फिर ये इसी डायरेक्शन में सेटअप हो गया, तो दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ और बैक ईएमएफ। तो सेल्फ इंडक्शन क्या हुआ यहां से, ये चीज आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। तो सेल्फ इंडक्शन अब क्या है, दोनों इस केसेस हमने देख लिए, दोनों केसेस में मैंने यहां से नोटिस किया मैंने कि फ्लक्स जो है आई का स्ट्रेंथ, आई का डीके ये जो है फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो ये जो फ्लक्स इसमें
इंक्रीज हो रहा है डी फाइव बाई डी टी या डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, दोनों केसेस में वो डिपेंड कर रहा है सिंपली करंट की ग्रोथ पे और करंट के डीके पे। करंट ग्रो करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल ग्रो करने को ग्रो करेगा, और अगर करंट डीके करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल डीके करेगा। अब दोनों ही केसेस में, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि फाइ इज इक्वल टू आई, तो इट मीन्स फाइ फ्लक्स टोटली डिपेंड कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, फ्लक्स टोटली डिपेंड कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द करंट पे। इट मीन्स यहां से सुनना आपको फाइ इज इक्वल टू एल आई, प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने हटा दिया यहां से, फाइ इज इक्वल टू एल आई फाइ। एल स्टैंड्स फॉर सेल्फ इंडक्शन। तो अगर इसका ग्राफ देखू मैं यहां से, तो सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू फाइ डिवाइड बाई आई। सपोज दैट आई हैव टू मेटेरियल्स, दो मेटेरियल्स का कॉइल बना है, एक आयरन का मान लो, एक जो है स्टील का मान लो, और इज अ फाइ इज आई, मेटेरियल नंबर बी। अब ग्राफ देख के बताओ किसका सेल्फ इंडक्शन ज्यादा है, ग्राफ देख के एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस, फाई डिवाइड बाई फाई, अगर इसके अकॉर्डिंग देखना है तो फाई आप इधर फाई और आई। अब मुझे बताइए किसका सेल्फ इंडक्शन ज्यादा है, ये सिंपल है, यहां से इस तरह से भी आप देख सकते हो, एक लाइन आप स्ट्रेट लाइन आप यहां से ड्रॉ कीजिए, स्ट्रेट लाइन हमने यहां से ड्रॉ कर दी, ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये पहला तो ये है, दूसरा स्लोप वाला कॉन्सेप्ट भी है, ये मुझे बता रहा है कि इस करंट पे जो है इसमें देखो इसमें इतना मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया ये, और इसी करंट पे इसमें इतना मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स किसमें ज्यादा है, ए में ज्यादा है, मैग्नेटिक फ्लक्स किसमें ज्यादा है, ए में ज्यादा है, ए का सेल्फ इंडक्शन ज्यादा है, इसका ए का सेल्फ इंडक्शन ज्यादा है। दूसरा आप स्लोप से भी बता सकते, स्लोप पे देखो, देखो स्लोप से कैसे बताना है, इधर से भी बता सकते हो, ये इस करंट पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये भी तरीका है, इस तरीके में जो है लेस करंट पे फ्लक्स इसमें ये जनरेट हो रहा है, और इसमें हाई करंट पे जो है इसमें फ्लक्स सेम फ्लक्स को जनरेट किया मैंने, तो इसमें जो है करंट मुझे ज्यादा देना पड़ा और इसमें मुझे करंट कितना देना पड़ा, कम देना पड़ा, ठीक है, इसमें करंट कम देना पड़ा। तो ये भी तरीका है, तो सेल्फ इंडक्शन रेशो मैग्नेटिक फ्लक्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कॉइल, दैट इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं यहां से, डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए भी इसका, डायमेंशन फॉर्मूला फाई का डायमेंशन फॉर्मूला कहां से आएगा, फाई इज इक्वल टू बी ए, फाई इज इक्वल टू बी ए, बी ए डिवाइड बाई आई, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला बी का एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी, तो मैग्नेटिक फील्ड का आ जाएगा एफ बाई क्यू बी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का एफ डिवाइड बाई क्यू बी इंटू एरिया इलेक्ट्रिक करंट, और टोटल जो आने वाला है जो आएगा यहां से फोर्स का कितना है, मैं निकाल देता हूं MLT-2, फोर्स का ये है, एरिया का एल स्क्वेयर है, चार्ज का एटी है, वेलोसिटी का LT-1 है, करंट का जो है एम्पियर है। अब जो है तुम निकाल लो सारा कितना बचता है, ये सारा
हम एल से एल कट गया, एल टू ए और ए स्क्वायर अपर में जाके हो गया ए स्क्वायर, टी का पावर जो है ये टी से ई कट गया, ई का पावर जो है माइनस टू। तो फाई हमारे पास कितना है अभी, फाई इज इक्वल टू एल आई राइट। अब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का स्टेटमेंट है हमारे पास, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो मैं ये वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, डी बाई डी टी और यहां पे वैल्यू एल आई, एल सेल्फ इंडक्टर्स है और आई करंट। तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, डी एल बाई डी टी। अगर आपका करंट जो है आई वन से आई टू में चेंज कर रहा है, आई वन से आई टू, तो आप फॉर्मूला ये ऐसे लिख सकते हो, यहां पे इज इक्वल टू माइनस एल आई टू माइनस आई वन डिवाइड बाई जो है चेंज इन द टाइम डी टी। ये भी फॉर्मूला जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इस तरह का कोई न्यूमेरिकल हो जिसमें करंट का ग्रोथ दिया हो या डीके या ग्रोथ, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ईएमएफ आपके पास आ रहा है, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, फिर एल स्टैंड फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, डी आई बाई डी टी। तो डी आई माइनस साइन जो है इतना ही है, माइनस साइन ग्रोथ और डीके को अपोज कर रहा है जो अभी हमने आपको बताया। अब जो है सेल्फ इंडक्टेंस, यहां से सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू जो है मेरे पास आ गया माइनस ईएमएफ ये डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी। अब इसके यूनिट, यूनिट हेनरी, हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस को एक हेनरी बोलेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस इज सेट टू बी वन हेनरी कब, इफ वन वोल्ट ईएमएफ, वन वोल्ट ईएमएफ बैक ईएमएफ जनरेटेड कॉइल में, एक वोल्ट बैक ईएमएफ जनरेट कर जाए कब, जब उसके थ्रू जो है वन एम्पियर करंट जो है चेंज हो और जो है वन सेकंड में, वन सेकंड में। सीधी सी बात है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज सेड टू बी वन हेनरी, ये ऐसा यूनिट है बच्चे इसके। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज सेड टू बी वन हेनरी व्हेन बैक ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल इज इक्वल टू वन वोल्ट, वन वोल्ट कब, कब होगा ये, व्हेन जो है डीके और ग्रोथ ऑफ करंट इज इक्वल टू वन एम्पियर पर सेकंड, एक एम्पियर पर सेकंड जो है डीके और ग्रोथ जो है इसका होता है। तो वन हेनरी जो है इसके ऐसा ही यूनिट है, मिली हेनरी है। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ में सेल्फ इंडक्शन मान लेते हैं हमारे पास ये बैटरी लगी हुई है, स्विच लगा हुआ है, रेजिस्टेंस आर लगा है और ये लगा हुआ है सेल्फ इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टर बल्ब बी वन बल्ब बी टू। एक्चुअली व्हाट हैपेंस जब यू प्रेस द की, क्या करोगे, की को प्रेस करोगे, प्रेस की थ्री, तो है सर्किट में करंट जो है करंट फ्लो करेगा और ग्रोथ होगा करंट का, देयर इज अ ग्रोथ ऑफ करंट इन द सर्किट, ग्रोथ ग्रोथ ऑफ करंट इन सर्किट, सर्किट में करंट का ग्रोथ है, तो करंट का ग्रोथ है तो ये तो डायरेक्ट ग्लो कर जाएगा क्योंकि जो है करंट पास कर रहा है और बल्ब जो है इसमें कोई बैक ईएमएफ नहीं आया, ये रजिस्टर लगा हुआ है यहां पे, लेकिन यहां पे ये लगा हुआ है इंडक्टर, ये ग्लो कर जाएगा एकदम ब्राइटनेस, ठीक है, दिस विल ग्लो, लेकिन ये ग्लो नहीं करेगा क्योंकि इसमें बैक ईएमएफ आ जाएगा, तो बैक ईएमएफ आएगा तो ये ग्रोथ करंट का जो इसमें जो भी करंट पास कर रहा है उसकी ग्रोथ को जो है ये डिक्रीज करेगा, ये अपोज करेगा, अपोज करेगा तो इट विल टेक सम टाइम, आएगा ईएमएफ लेकिन बैक अभी आएगा तो ये ग्लो करेगा, आफ्टर सम टाइम फुल जो है ग्लो कर जाएगा, लेकिन पहले क्या करेगा, इट विल टेक सम टाइम टू ग्लो, कुछ टाइम लेगा इसमें, इसमें बैक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। जब आप स्विच को रिलीज करोगे तो क्या किया, ग्रोथ विद ग्रोथ ऑफ द करंट, बैक ईएमएफ सेटअप,
back EMF setup, in coil, coil में back EMF setup हो गया, which opposes the growth of current, which opposes growth of current in coil, coil में, रजिस्टर में नहीं हुआ ऐसा कुछ भी नहीं, coil में करंट की वैल्यू को जो है डीके करवाइए। पहले तो जब आपने स्विच ऑन किया तो करंट की वैल्यू को ग्रो हो रही थी, तो इसको इसमें बैक ईएमएफ सेटअप हो गया, उसके कारण जो है मोमेंट ले रहा है बल्ब V2 जो है सम कुछ टाइम लिया इसने ब्राइट होने में ग्लो करने में, लेकिन जैसे आपने स्विच ऑफ किया जैसे ही आपने बेटा स्विच ऑफ किया तो स्विच ऑफ करने से जो है सडनली देयर इज अ डीके इन द करंट इन दिस, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, ये ऑफ हो गया डायरेक्टली, ये जो है बल्लब V1 डायरेक्टली ऑफ, V1 डायरेक्टली ऑफ ऑफ, लेकिन V2 जो है V2 इज अ मैक्सिमम ब्राइटनेस, लार्ज ब्राइटनेस हुई इसमें, क्यों हुई, क्योंकि जो है सडनली करंट इसके अक्रॉस बंद हो गया, तो d phi by dx dt जो है सडनली लार्ज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड, लार्ज डीके ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड, और बैक ईएमएफ सेट ऑफ मोमेंट ली द हैविंग वेरी हाई वैल्यू बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन d phi by dt = -EMF। तो इसमें बैक ईएमएफ आया, d phi by स्विच ऑफ कर दिया तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स ही बंद हो गया, तो ये d phi लार्ज चेंज, लार्ज ईएमएफ सेटअप फॉर ए मोमेंट, मैक्सिम ब्राइटनेस, ठीक है, मोमेंटली तो V2 जो है व्हेन स्विच ऑफ, V2 जो है मोमेंटली मैक्सिमम ब्राइटनेस, ओवर ब्राइटनेस भी इसको आप इसको बोलो ज्यादा है, जितनी जो है ब्राइटनेस होती है उससे ज्यादा है, ओवर ब्राइटनेस। दूसरा केस जो है, यू हैव अ इंडक्टर, यू हैव इंसर्टेड अ आयरन रॉड इन द इंडक्टर टू इंक्रीज इट्स परमीबिलिटी, दिस इज अ मटेरियल हैविंग परमीबिलिटी म्यू, रिलेटिव परमीबिलिटी μr, और तो जो है μr आपके पास होता है μ/μ0, ये μ/μ0 ये इसका रिलेटिव परमीबिलिटी है। तो आप यहां स्विच ऑन करोगे, यहां इस केस में भी प्रेस द स्विच, प्रेस के देयर इज अ ग्रोथ ऑफ द करंट, करंट इंक्रीज करेगा, ग्रोथ ऑफ द करंट, करंट इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो देयर इज अ ग्रोथ ऑफ द करंट, इसमें तो ये इसको अपोज करेगा, इसमें बैक ईएमएफ सेटअप होगा, इसमें क्या होगा बैक ईएमएफ सेटअप होगा, तो बैक ईएमएफ सेटअप होगा तो बल्ब विल टेक सम टाइम टू ग्लो, जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस हुई इसके पैरेलल में लगा हुआ बल्ब उतना वोल्टेज जो है इसके अक्रॉस आ जाएगा, ये इसके किसमें लगा हुआ है पैरेलल, अगर इसमें -5 वोल्ट आता है तो इसमें भी -5 वोल्ट होगा, तो जो है जैसे ही स्विच ऑन किया मैंने करंट का ग्रोथ हुआ, तो करंट का ग्रोथ हुआ तो इसमें बैक ईएमएफ आया, तो जो है इसने अपोज किया करंट की ग्रोथ को और बल्ब जो है ग्लो हुआ, लेकिन आफ्टर सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम टू ग्लो, इसने थोड़ा सा टाइम लिया, उसके बाद तो ये फुल ग्लो हो गया। तो जब इसको ऑफ किया आपने, जब इसको आपने स्विच को तो प्रेस किया था ऑफ कर दिया, छोड़ दिया एकदम से, तो एकदम से करंट बंद हो जाएगा, सर्किट में से करंट ही बंद हो जाएगा, तो करंट बंद हो जाएगा, देयर इज लार्ज चेंज इन द d phi by dt, मैग्नेटिक फ्लक्स में मैक्सिमम चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स में मैक्सिमम चेंज होगा, तो जो है ऑफ, हमने पहले इसमें क्या किया था ऑन के ये को ऑन किया, ठीक है, I increases, अगर I increases है तो d phi by dt जो है increases, which implies back EMF increases, तो थोड़े से टाइम ये क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ग्लो कर दिया, क्योंकि बैक EMF के कारण टाइम लगा और कुछ नहीं है, बैक EMF, लेकिन स्विच ऑफ स्विच ऑफ तो डीके हुआ करंट का,
आई जो है डीके, तो इसके थ्रू अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, अगर करंट डीके होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अक्रॉस डी फाई बाई डी टी, वो भी डीके, डीके भी चेंज ही होता है डीके, तो डी फाई बाई डी टी देयर इज अ, तो ये लार्ज चेंज, ये लार्ज चेंज, तो इसके कारण जो है डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ई एम एफ, राइट, माइनस ई एम एफ, ये लार्ज चेंज, तो बैक ई एम एफ भी लार्ज, बैक ई एम एफ लार्ज आएगी तो मोमेंट जो है इट्स ब्राइटनेस बिकम्स मैक्सिमम, द कलर विल ग्लो विद इट्स मैक्सिमम ब्राइटनेस, मैक्सिमम ब्राइटनेस। तो मान लेते हैं हमारे पास ये सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड इसका सेल्फ इंडक्टेंस जो है कैपिटल एल है और इसका रेडियस जो है स्मॉल आर, इसका रेडियस स्मॉल आर, इसका मुझे जो है सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, इसका मुझे सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करता है बी, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, इसका वैल्यू मुझे निकालना है एक्चुअल में सेल्फ इंडक्टेंस ये ऑफ द सोलेनोइड, की कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है और किस तरह से हम सेल्फ इंडक्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, किसी भी कॉइल की प्रॉपर्टी है व्हेनेवर उसके थ्रू जो है ग्रोथ होता है और डीके करंट का, तो उसमें जो है बैक ईएमएफ सेटअप हो जाता है, उसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई लेंथ, अगर एल जो है इसका लेंथ है सोलेनोइड का, ये एल इज द लेंथ और एन जो है इसमें एन दैट एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एन जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, तो म्यू नॉट परमिटिविटी है, आई करंट पास कर रहा है इसमें, एल इसका लेंथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये जो जनरेट करता है, तो ये जनरेट करता है ये B, this is the magnetic field. Okay, तो एक टर्न के साथ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फ्लक्स ले लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बन जाएगा, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा बच्चे लोगों बी ए, बी ए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सिंगल टर्न है ये मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फाइव बनेगा बी जो आपके पास म्यू नॉट एंड आई बाई लेंथ इनटू एरिया, ये एक टर्म के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल नंबर ऑफ टर्म के साथ भी निकाल सकते हैं, ये इस मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द सिंगल टर्न, द टोटल, द टोटल मैग्नेटिक flux linked with total torque, the total magnetic flux linked with the total torque, so total jo hai it is equal to mu naught, mu naught ni divided by l into a into total number of torque, तो ये बन गया हमारे पास म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए डिवाइड बाई एल, डिवाइड बाई एल। अब मुझे पता है आई नो दैट फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई इज इक्वल टू एल आई, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल विद द इंडक्टर फाई इज इक्वल टू एल आई, ये टोटल फ्लक्स फाई टोटल, तो फाई इज इक्वल टू इसका वैल्यू जो है एल आई, मैं इसका वैल्यू पुट कर दूं फाई एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए डिवाइड बाय एल, आई से आई कट जाता है और सेल्फ इंडक्टेंस जो मेरे को है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, इंडक्टर का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है इट इज इक्वल टू म्यू नॉट
एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई लेंथ है म्यू नॉट, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है म्यू, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है, तो उनके बीच में रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट. सो म्यू जो है म्यू मेरे पास आ गया म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर. और इस कॉइल को मैं बाउंड कर दूं किसी मेटेरियल पे, मैग्नेटिक मेटेरियल पे जिसका रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर हो, तो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू डिवाइड बाई म्यू नॉट. ये मीडियम की है तो म्यू की बन जाएगी म्यू इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट, राइट. तो ये सेल्फ इंडक्टेंस जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, म्यू आर का वैल्यू, ये म्यू नॉट का वैल्यू, म्यू नॉट का वैल्यू क्या रखोगे आप यहाँ पे, म्यू नॉट का वैल्यू तो ये तो सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू आया जब ये सोलेनोइड के बीच में जो है कोई भी मटेरियल नहीं है, वैक्यूम में रखा हुआ है इसको, इसके अंदर का मटेरियल जो है म्यू नॉट है, एम्प्टी है खाली अंदर से, लेकिन अगर आप इसमें कोई मटेरियल रख लेते हो जिसका परमिबिलिटी म्यू है, जैसे सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया आपने, तो इसकी परमिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा. तो इसके लिए मान लो तो म्यू नॉट को मैं रिप्लेस कर दूंगा म्यू से, तो सेल्फ इंडक्टेंस बन जाएगा म्यू. अगर मैं इसके बीच में आयरन रॉड इंसर्ट कर दूं, राइट, आयरन रॉड, तो इट इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल, राइट. तो सेल्फ इंडक्टेंस बन जाएगा म्यू का वैल्यू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल. तो ये सेल्फ इंडक्टेंस. अब सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड इंसर्टेड विद आयरन बार. तो सेल्फ इंडक्टेंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस भी ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ. नंबर टू, ये रिलेटिव एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू आर, म्यू आर का वैल्यू ज्यादा होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है. एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट. एरिया ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ लाइन जो है इसके जो है क्रॉस करेगी वो भी ज्यादा होंगी. एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो लेंथ को कम रखोगे लेंथ को तो सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगा. लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस ही तो बढ़ता है, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है. तो जो है ये इस तरह से सेल्फ इंडक्टेंस को आप इंक्रीज कर सकते हो. सेल्फ इंडक्टेंस कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न, बाय इंक्रीजिंग रिलेटिव परमिटिविटी, बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द कॉइल, राइट. बस